अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप बेटा आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हम जो आज का लेक्चर पढ़ रहे हैं, हम FSE पार्ट टू का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद इट्स टाइप, मींस हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी किया था। दिस इज़ अ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और उसके साथ जो हमने एग्जाम्पल स्टडी की थी, मीथेन की एग्जाम्पल स्टडी की थी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेंशन किया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इथेन की एग्जांपल के साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर बेस करता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल ऑफ इथेन पे बेस करता है। मींस हमने आज एक्सप्लेन करना है कि इथेन में किस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर इसको स्टार्ट करते हैं। इथेन का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रा करूँ, दो कार्बन एटम होते हैं जिनके दरमियान बॉन्डिंग होती है C2, और यहाँ पे साइड्स पे जो होते हैं, यहाँ पे कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो कार्बन की वैलेंसी, एक वैलेंसी जो है वो कार्बन कार्बन के बॉन्ड से कंप्लीट होती है, और 3 वैलेंसी जो है वो किससे कंप्लीट होती हैं, हाइड्रोजन से। सेम एज इट इज़ इस साइड पर भी जो 3 वैलेंसीज है वो किससे पूरी होती हैं, हाइड्रोजन से। तो इट्स मीन यहाँ पर इस तरह की बॉन्डिंग होनी है। और ये हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग होती है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ कोवलेंट बॉन्डिंग, कि कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनता है, दिस इज ड्यू टू द म्यूचुअल ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये हमारे पास C2H5 का स्ट्रक्चर है। अब हमने एक्सप्लेन करना है, और अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको बताती जाऊँ तो होता है एक्चुअल में क्या है कि ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन में भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3। ये वाला जो कार्बन होता है इसमें भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इन कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जबकि इसके साथ जो हाइड्रोजन होता है वो मीथेन का, जैसे हमने फार्मूला पढ़ा था, सेम उसी वे में इसकी ओवरलैपिंग हुई होती है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन कार्बन से, ठीक है जी, कार्बन को मेंशन करते हैं। फर्स्ट वन हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में हम फर्स्ट वन इसकी कॉन्फिगरेशन देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ग्राउंड स्टेट। सेम लेक्चर जैसा हमारे पास प्रीवियस था उसी तरह से है। इसमें किस तरह से होता है कि 1s2, 2s2 एंड 2p2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपने ऑर्बिटल्स में डिवाइड होते हैं। अगर हम इसको इसके अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल्स लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 2px, 2py एंड 2pz। और जो इलेक्ट्रॉन डिवाइड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिटल में आ जाता है, दूसरा किस में आ जाता है, वाई ऑर्बिटल में आ जाता है, 2px1 एंड 2py1। और जो हमारे पास 2pz ऑर्बिटल होता है वो किस स्टेट में होता है, एम्प्टी स्टेट में। उसके बाद जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है, दिस वन इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन एटम। एक्साइटेड स्टेट में मैंने आपको मेंशन किया था कि एक्चुअल में क्या होता है, कि एनर्जी कहाँ से आती है। ये लेक्चर था, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, चलें इसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या है कि जो 2s2 ऑर्बिटल है, उसके बाद हमारे पास क्या है, 2px1, 2py1 एंड 2pz0। यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट करके किसके पास चला जाता है, 2pz ऑर्बिटल के पास। जो हमारे पास कॉन्फिग्रेशन आ जाती है वो क्या आ जाती है, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। हमारे पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। अब ये जो 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, सारे डिफरेंट शेप्स में होते हैं, डिफरेंट एनर्जी होती है। तो नेक्स्ट वन इसमें क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट के बाद जो कार्बन के ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज अ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, क्योंकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कहलाएंगे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। कार्बन 6 की नेक्स्ट वन जो आएगी वो कौन सी स्टेट आ जाती है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिडाइज स्टेट। अब हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होगा, एक एक्स जो है वो px py pz ऑर्बिटल से मतलब इंटरमिक्सिंग करेगा, तो हमारे पास 4 न्यू ऑर्बिटल्स ऑब्टेन होंगे। और इन चारों न्यू ऑर्बिटल्स को हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज एंड sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। मतलब हमारे पास 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, और ये जो चारों न्यू ऑर्बिटल्स होते हैं ये कौन से होते हैं, ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या होता है, अगर हम इसको ड्रा करते हैं इसकी फॉर्म में, कार्बन के जो होते हैं, तो टोटल हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या बनते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था कि इनकी बिफोर, जब एक्साइटेड स्टेट में हम इनकी डायग्राम देखते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में इसकी डायग्राम किस तरह से होती है, जो 2s1 ऑर्बिटल है उसको हम इस तरह से ड्रा कर देते हैं, x y एंड z एक्सिस के लॉन्ग, ये क्या बन जाता है, 2s1 प्लस 2px1 किस फॉर्म में होता है,
यहाँ पे हम ड्रा कर देते हैं, ये एक्स वाई एंड जी एक्सिस है, तो हमने टू पी एस को इस तरह से एक्स एक्सिस पे ड्रा कर दिया, टू पी एक्स वन। सेम इन द सेम वे जो वाई एक्सिस है, टू पी वाई ऑर्बिटल है, ये किस पे ड्रा हो जाएगा, अगर एक्स वाई एंड जी को हम ड्रा करें तो वाई ऑर्बिटल पे, वाई एक्सिस पे हम वाई ऑर्बिटल को ड्रा कर देंगे, टू पी वाई ऑर्बिटल को, ये क्या आ गया, टू पी वाई वन इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ पे जो जी एक्सिस है, एक्स वाई एंड जी, तो इस टू पी जी ऑर्बिटल को हमने जी एक्सिस पे ड्रा कर दिया, ये क्या बन गया, टू पी जी वन। ये हमारे पास कौन सी डायग्राम आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के बाद जब हिब्रिडाइज, हिब्रिडाइज मीन कि ये जो चारों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं। इंटरमिक्सिंग के बाद हमारे पास चार न्यू ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेंशन किया था कि इन चारों की इंटरमिक्सिंग के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी, एक लार्जर लोब होगा और एक कौन सा होगा, स्मॉलर लोब। और इस तरह के हमारे पास चार, फोर से मल्टीप्लाई, फोर मल्टीपल का मतलब है कि इस शेप में हमारे पास चार ऑर्बिटल्स ड्रा होंगे, और ये जो चारों ऑर्बिटल होंगे ये क्या होंगे, कार्बन के sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, ठीक है जी। अब अगर हम इसको ड्रा करते हैं इस फॉर्म में, कि अगर हम इसकी फॉर्म जस्ट लाइक मेंशन करते हैं कि ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट आ गई, ये हमारे पास कौन सी स्टेट आ गई, हिब्रिडाइज स्टेट आ गई। अब इन्होंने अरेंज अपने आप को किस तरह से करना है, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि ये कार्बन का एक ऑर्बिटल है, ठीक है, कार्बन है, कार्बन के फोर ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल इस फॉर्म में आ गया, मतलब ये जो टोटल चार ऑर्बिटल है ये किस तरह से अरेंज होंगे, फर्स्ट वन ऑर्बिटल, टोटल फोर ऑर्बिटल है, इसको किस तरह से अरेंज करना है, ये हमारे पास जस्ट सपोज आ गया सेकंड ऑर्बिटल, यहाँ पे हम ड्रा कर देते हैं इसका थर्ड ऑर्बिटल, एंड दिस वन इज अ फोर्थ ऑर्बिटल। ये कार्बन के जो चारों ऑर्बिटल हैं ये क्या है, sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। इट्स मीन कि हमने भी मेंशन किया है कि कार्बन में क्या हुई है, sp3 हिब्रिडाइजेशन हुई है, और sp3 हिब्रिडाइजेशन के बाद चार sp3 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल आए हैं, और इन्होंने अकॉर्डिंग इनटू द स्पेस, इन्होंने स्पेस में अपनी अरेंजमेंट कैसे किया, इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से ऑरियंट हुई है, जिसको हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम एक्चुअल में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं इथेन का स्ट्रक्चर। एक कार्बन की तो हमने हिब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर दी, तो जो दूसरा कार्बन एटम है उसमें भी सेम टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन होगी, sp3, मतलब हम कहते हैं कि अनदर कार्बन एटम अंडरगो सेम टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन। अब जब सेम टाइप की हिब्रिडाइजेशन होगी तो जो दूसरा कार्बन एटम है उसके अगर हम चार ऑर्बिटल ड्रा करते हैं, फर्स्ट वन ऑर्बिटल दिस वन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो चार ऑर्बिटल sp3 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। ये हमारे पास सेकंड ऑर्बिटल आ गया, ये जस्ट सपोज हमने मेंशन कर दिया इसका फोर्थ ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, इसमें भी वन इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इसका फोर ऑर्बिटल है ये किससे ओवरलैपिंग करेगा, ये अपने सामने वाले कार्बन एटम से ओवरलैपिंग करेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक पेयर बन जाएगा। अब यहाँ पे जो आमने सामने वाले कार्बन एटम थे, जैसे अभी यहाँ पे मेंशन किया था कि ये कार्बन भी sp3 हिब्रिडाइज है, ये कार्बन भी sp3 हिब्रिडाइज है, इस कार्बन के चार ऑर्बिटल हैं जो हाफ फील्ड हैं, इस कार्बन के भी चार ऑर्बिटल हैं जो क्या है, हाफ फील्ड हैं, लेकिन ये जो आमने इन फ्रंट ऑफ बोथ ऑफ दीज कार्बन एटम, ये आमने सामने जो दोनों कार्बन एटम के ऑर्बिटल्स थे इन्होंने ओवरलैपिंग की, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को पेयर अप किया, तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से अगर यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, दोनों ऑर्बिटल ने कौन सी की है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग की है, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, दिस वन इज कॉल्ड एज अ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब हम कंसीडर करते हैं ये साइड वाइज ऑर्बिटल्स को, कि ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं इन्होंने क्या करना है, अब देखें इधर कार्बन भी हाइड्रोजन से बॉन्डिंग है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कार्बन ने सिंगल बॉन्ड किसके साथ बनाया है, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1, और s ऑर्बिटल किस में होता है, स्फेरिकल इन शेप, मतलब हम इस तरह से ड्रा करें तो ये हमारे पास 1s1 ऑर्बिटल आ रहा है हाइड्रोजन का। अब ये वाले जो बॉन्ड है ये किससे बॉन्डिंग करेंगे, कार्बन का ये जो अनपेयर ऑर्बिटल है यहाँ पे बॉन्डिंग किससे होगी, हाइड्रोजन का 1s1 आएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पेयर अप हो जाएगा। सेम इस साइड पे हाइड्रोजन एटम आएगा और उसका 1s1 इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो जाएगा, पेयर अप हो जाएगा, एंड इन द सेम वे इस साइड पे भी अनपेयर को पेयर अप करने के लिए हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आएगा। तो देखा जाए इस कार्बन ने, जैसे यहाँ पे तीन हाइड्रोजन एटम अटैच है, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बन चुका है, और बिल्कुल
इसी पैटर्न में ये जो इस साइड पे कार्बन एटम है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम आएगा और इनके इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा। इस साइड पे जो हाइड्रोजन एटम होगा ये इन इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा, और इस साइड पे जो हाइड्रोजन एटम है ये इधर पेयर अप कर देगा। अब अगर इसके स्ट्रक्चर को मैं ड्रा करूँ तो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई थी, कार्बन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो पेयरिंग हुई थी, इन दोनों कार्बन के दरमियान क्या बन गया, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है जी, हमारे पास पहला सिग्मा बॉन्ड बना ड्यू टू हेड ओवरलैपिंग, के दोनों ऑर्बिटल्स ने हेड टू हेड ओवरलैपिंग किया, ये आप पार्ट वन में स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे कार्बन का जो sp3 ऑर्बिटल था उसने हाइड्रोजन के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग किया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड ड्रा हुआ। इस साइड पे जो हाइड्रोकार्बन का अनपेयर ऑर्बिटल था उसने हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर पेयर अप किया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बना। इन द सेम वे इस साइड पे हाइड्रोजन बना, ये CH3 हो गया। अब अगर हम इस साइड को कंसीडर करते हैं कि कार्बन का ये जो अनपेयर ऑर्बिटल था इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके अपने आप को पेयर अप किया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और इसी तरह लोअर साइड पे भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो हम देखते हैं हमारे पास वही स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो गया जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था, दैट इज अ C2H6। ठीक है जी, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड बन रहे थे इनके स्ट्रक्चर में, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 7 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है, और ये जो 7 बॉन्ड्स हैं ये सारे कौन से बॉन्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ व्हाई दीज आर सिग्मा बॉन्ड, तो आपका आंसर होना चाहिए बिकॉज दीज ऑल बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यू टू द हेड टू हेड ओवरलैपिंग, क्योंकि ये जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं ये किस वजह से बन रहे हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बन रहे हैं, और इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू 1.54 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 7 बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे जो कार्बन का दरमियान में बॉन्ड एंगल होगा दैट इज इक्वल टू 109.5 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास इथेन की मतलब थ्रू sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो हमारी एक्सप्लेनेशन थी वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको इथेन का स्ट्रक्चर कंप्लीटली समझ आ चुका होगा, और ये हमारे पास एज अ एक्सटेंसिव एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर जब बच्चों को क्वेश्चन किया जाता है मिथेन या इथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करें, तो बच्चे इथेन की जगह जो होते हैं वो स्टूडेंट्स मिथेन को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बेटा एक चीज़ क्लियर रखा करें कि आपसे इथेन पूछा जा रहा है या मिथेन, मिथेन का स्ट्रक्चर CH4 होता है और इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी क्यूरी हो, जो कोई पॉइंट आपको समझ ना आ रहा हो, तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।